टिकट बुक करने के बाद ना मेरा टिकट अपग्रेड होके ऑटोमेटिक से भाई थर्ड एसी में आ गया। तो हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज जो है ना मैं आलवे स्टेशन पे खड़े हूँ, जो कि यहाँ से मैं आज बेंगलोर जा रहा हूँ। और हम लोग जो जाएंगे ना ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि जो मेरा ट्रेन जो है ना, मेरा रात के 10:30 बजे ट्रेन है। और मैं यहाँ पे फिलहाल बस का जो कारी पार्किंग का जगह है ना, वहाँ पे खड़ा हूँ। तो आप लोग इस जगह का थोड़ा दिखा देता हूँ। रात के अभी फिलहाल 8 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि ऑफिस से लोग आ रहे हैं, मतलब लोकल ट्रेन वगैरह से, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है। और आज तो ऐसा नहीं है कि आज कोई ऐसे स्पेशल ट्रेन वगैरह जाने वाला है आसाम या फिर कलकत्ता उस साइड में। तो देखिए, सामने रिजर्वेशन सेंटर भी है उधर। तो अपना जो बाहर का लोग जितने भी आता है ना काम वगैरह के लिए, इन लोगों के लिए बहुत ही मतलब बड़ा स्टेशन है यहाँ पे। लेकिन स्टेशन इतना बड़ा नहीं है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा लोग जो है ना बाहर का लोग काम करने के लिए आते हैं यहाँ पे ही ज़्यादातर उतरते हैं। मतलब अगर 100 लोग आते हैं तो उसमें से 90 लोग इधर ही उतरते हैं, तो ऐसा सीन है। ये देखिए स्टेशन का अंदर का नज़ारा, वो प्राइवेट काउंटर है। और यहाँ पे जो है ना, ये अपना ट्रेन है, देखिए ट्रेन का चार्ट, और वो ही 06083 अपना ट्रेन है। और यहाँ पे देखो भाई, अभी मैं ट्रेन स्टेशन के अंदर आ गया, हाल ऐसा है। फिलहाल जो है ना मैं एक नंबर स्टेशन मतलब प्लेटफॉर्म क्रॉस करके अभी 2 नंबर बैठा हूँ, लेकिन 3 नंबर पर आएगा। 2 और 3 एक ही साथ में, मतलब इस तरफ और उस तरफ है, जो कि ये देखिए वो वाला है 1 नंबर, ये 2, और मेरे पीछे जो देख रहे ये है 3। तो गाइस अभी थोड़ा आप लोग को ट्रेन के बारे में थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि ये ट्रेन का नंबर जो है ना 06083, और मंगलवार को रात के 10:30 बजे यहाँ आलुआ से बेंगलोर जाता है। और इसके दूरी जो लगभग करते हैं ना 600 किलोमीटर, 596 किलोमीटर यहाँ से आलुआ से बेंगलोर तक दूरी कवर करते हैं। और इसके लिए आपको 450 रुपये फेयर पे करना पड़ता है ना। 2 दिन पहले इसका टिकट बुक किया था, तो RAC 11 में था अभी, लेकिन मेरा जो सीट कंफर्म हो गया बोल रहा है, तो पता नहीं है शायद AC में अपग्रेड हुआ है, तो अगर हो गया तो अच्छा है भाई। 11 बजे आने के लिए बोला, अभी बज रहा है 11:30, आधा घंटा वैसे ही लेट है, ऊपर से और आधा घंटा, मतलब लगभग 1 घंटा हो चुका है, जो कि 11 बजे बोल रहा था ना आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये देखिए 11:30, ये देखो अभी जो सुना था ना वही हरल का हाल क्या हो रखा है यार, बहुत ही गंदा हाल है। अभी जो है ना, अभी जो नया अपडेट आया था ना, तो वेटिंग टिकट से या फिर आपका जो अनरिजर्व टिकट वगैरह है ना, जैसे कि वेटिंग टिकट लेके हम लोग पहले चढ़ जाते थे, तो मतलब सीट मिल जाता या फिर किसी का सर शहर में चल जाता है ना, तो अभी फ़िलहाल वो बंद कर दिया, तो इसलिए नहीं जा पा रहे, इसीलिए हाल देख रहे हो। जनरल जो बोगी है ना, बहुत ही गंदा हाल है भाई, तो सीन वही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, अभी से जो लोग ट्रैवल वगैरह कर रहे होगे ना, तो कन्फर्म टिकट है तो आप लोग तभी चढ़ो, नहीं तो भाई ऐसे ही हाल होगा जो कि आप लोगों को मैं दिखाया। बहुत ही गंदा हाल है, क्योंकि मैं जितना ट्रेन अभी यहाँ पे स्टेशन पे बैठ के देख रहा हूँ ना, हर एक ट्रेन का हाल है वैसा है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को सोचा कि जानकारी दे दूँ। ये देखो भाई, ऐसा भी कोई लोग भरते हैं, देख रहे ना, और चढ़ ही रहा है, लोग चढ़ नहीं पा रहे हैं यार, हाल है देख रहे। अगर आपका पास टिकट नहीं है तो हाल ऐसा, मतलब कंफर्म सीट नहीं है तो ऐसा, अगर आपका पास वेटिंग हो या फिर अनरिजर्व टिकट हो तो हाल ही रहेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अगर आपको किधर भी जाना है तो आप लोग प्लीज़ कंफर्म टिकट लेके ही चढ़िए ट्रेन, क्योंकि जब से मतलब जो वेटिंग टिकट कैंसिल कर दिया ना, तब से मतलब बहुत ही बेहाल हुआ है यार। 11:29 अभी तक पहुँचा नहीं, ये दूसरा कोई ट्रेन जगह है, अपना वाला अभी तक आया ही नहीं, इस स्टेशन पूरा खाली भाई। जो भी है, मुझे तो सीट मिल गया, मैंने अभी एक घंटा डेढ़ घंटा लेट करने से एक फ़ायदा हो गया, क्या मालूम है, मैंने जो लिया था ना स्लीपर का टिकट लिया था, और मुझे अभी मिल गया अपग्रेड होके AC में, थर्ड AC में मिल गया, जो कि 24 है। मैं सीट नंबर दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा सीट नंबर, ये मैंने बैग वगैरह रख दिया, एक पिल्लो। और तो आप लोगों को पता ही है ना, इंडियन रेलवे में रात को सोएंगे तो AC में जैसे लगेगा मुर्दा घर पे सोएंगे, ये देखिए तो सीन नहीं है। और सामने ये भाई एक बैठे हैं, तो खा रहे हैं,
सब लोग लाइट वगैरह ऑफ कर दिया, तो मैं कल सुबह उठ के आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा कैसे क्या है, कैसे क्या हुआ मेरे साथ जो भी है। तो आज के लिए अभी इतना ही है, कल सुबह उठ के फिर आप लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप लोग, स्वागत करता हूँ आप लोगों का दूसरे दिन पे। और आज सुबह मैं सभी उठाई हूँ जो कि 7 बज रहे हैं। और मेरे साथ जो कांड हुआ है ना, वो क्या हुआ है मालूम है? मैंने बुक जो किया था ना, वो स्लीपर टिकट बुक किया था। स्लीपर टिकट बुक करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैंने ये स्लीपर का टिकट बुक किया था, देख रहे हो, ये देखिए SL लिख के आ रहा है, ठीक है। तो टिकट बुक करने के बाद ना मेरा टिकट अपग्रेड होके ऑटोमेटिक से भाई थर्ड AC में आ गया। तो 1 घंटा लेट होने से अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है, लगा अच्छा ही है, ठीक ठाक है, फ़ायदा ही हुआ अपना। अभी चलिए मेरा जो केविन है या फिर बोगी है वो दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये है। और ये रहा मेरा सीट, मुझे कल मिला था ये कि पिल्लो मिला था, ऐसा वाला चादर 3 मिला था यार, फर्स्ट टाइम। एक तो इधर मैं यूज़ भी किया गया, ये वैसा ही नहीं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 और एक नीचे बिछाया है, ये टोटल 3 है। कल रात को दिखा नहीं पाता, बाथरूम वगैरह दिखा देता हूँ यार, सही है, ठीक ठाक है, साफ सुथरा ही है। बंदे भारत दिख रहा है शायद, हाँ एक बंदे भारत खड़ा है भाई, देखने को मिल गया। बंदे भारत इतना दिन हुआ लॉन्च हुआ है, मैं अभी तक देखा नहीं है। अभी यहाँ से ये जा रहा है बंदे भारत, क्रॉसिंग के लिए खड़ा था वो, आप लोग दिखा था। हाँ ये बंदे भारत छोड़ दिया, ये कहाँ से जा रहा है, मुल्लैनूर बोल के जगह है ना,
वो अभी तो क्रॉसिंग के लिए खड़ा था ये। स्टेशन तो धाकड़ है भाई, कुछ अलग लेवल के स्टेशन है ना ये, देख रहे हो। फाइनली लगभग 2 घंटा लेट होने के बाद बेंगलुरु पहुंच गया। वेलकम टू बेंगलुरु, देख रहे भाई। लेकिन लगभग 2 घंटा बाद लेट होने के बाद यहाँ पे पहुंचे हाल भाई। यहाँ पे पहुँचे लगभग, जो कि 10:30 बजे के पहुँचने का टाइम था, अभी लगभग पहुँचे कितने बजे, 11:30 बजे। तभी सोच लो कितना टाइम लेट हुआ है अभी। और एक ये हावड़ा वाला एक ट्रेन गया है और एक है वो सामने वाला रुका है, तो ऐसा सीन है। फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं, निकल के रूम वगैरह लेना है, रूम लेके फिर मतलब शाम को फिर निकलेंगे थोड़ा नाइट क्लब वगैरह थोड़ा देखने के लिए। अभी तो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी जो है ना बहुत नींद आ रहा है यार। और आपको बताया मेरा जो हाल हुआ था वो कुछ आप लोगों को बताया ही है। अभी थोड़ा ये स्टेशन का भी दिखा देते हैं यार भाई। अभी ये है एग्जिट के रास्ता, स्टेशन तो धाकड़ सा है भाई, मस्त ही है। यहाँ से साफ़ सुथरा भी बहुत है कि आपका जैसे क्या होता है ना एयरपोर्ट जैसा कुछ है, और बेंगलोर एयरपोर्ट का भी थोड़ा ऐसा कुछ नज़ारा है तो एग्जिट का यही है। अभी यहाँ से मैं एग्जिट ले रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, ऊपर फूड कोर्ट वगैरह है, ऐसा सीन है। पैदल चलना पड़ता है, 2 साइड से एस्केलेटर पर भी है, मस्त है। फाइनली गाइस एग्जिट ले रहा हूँ, ये देखिए बाहर का नज़ारा निकलते ही, वाह तो निकल गया। तो कुछ तो बना रहे हैं, फिर कुछ सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे हैं निकलते ही। देखिए जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ ईश्वर निवास करते हैं, इस प्रथा को मना जाता है, इसलिए हम भी स्वच्छता को अपना चाहिए पालन कर रहे हैं। तो फिलहाल ऐसे ही है, अभी निकलते हैं स्टेशन से, जाके फिर रूम वगैरह ढूंढते हैं, फिर रूम थोड़ा दिखा के वीडियो को खत्म करते हैं। बाहर का नजारा ऐसा कुछ है जो कि आप देख सकते हैं। तो गाइस अभी फिलहाल मैं रूम ले लिया, आप लोगों को दिखाया है, देखिए रूम मैंने बैग वगैरह रख दिया, और गोपो का जो बैटरी है वो चार्ज का हो रहा है, चार्ज पे लगा दिया। ये रहा मेरा रूम, मोबाइल ऐसा देखो चार्ज पे लगाया, इधर रखने के लिए नहीं है। इसका भी भाई 600 ले लिया, इतना बड़ा रूम से कोई फायदा मेरे को तो चाहिए नहीं था, ये भी चलता लेकिन ले लिया, क्या करे नहीं मिल रहा है। बाथरूम वगैरह भी आप लोगों को दिखा ही दिया, ऐसा है ठीक ठाक है यार, खराब नहीं है वो, अपना इंडियन स्टाइल वाला बाथरूम है और साफ़ सुथरा ही है। और बाहर का व्यू एक नज़र आपको दिखा देता हूँ, मेरा बाहर का व्यू। तो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगर ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।